नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा कैसलवेनिया एनिमे सीरीज के बारे में। टोटल इसके अंदर 3 सीजन्स हैं और ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। मैंने कभी भी कोई भी वैम्पायर वाली एनिमे सीरीज इतनी ज्यादा कलरफुल नहीं देखी जितनी ये वाली सीरीज थी। चलो अब थोड़ा सा कहानी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे क्या इसके अंदर अच्छा है और क्या इसके अंदर बुरा है। देखो, एक ड्रैकुला होता है जिसका नाम टैपेस होता है। अब यही नाम है या नहीं, प्रोनाउंसिएशन में शायद गड़बड़ हो सकती है। वो काफी टाइम से अकेला रह रहा है, फिर अचानक एक लेडी उसके दरवाजे पर आती है। वो उससे कुछ सीखना चाहती है, मतलब वो डॉक्टर बनना चाहती है। तो तुम्हें क्या लगता है कि ड्रैकुला को सिर्फ और सिर्फ खून पीना आता है? उसे बहुत सारी चीजें आती हैं, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये जो लेडी जो इसके पास आती है, इसका नाम होता है लीजा, वो एक डॉक्टर बनने के पर्पस से इसके पास आती है और ये इससे मतलब बातें जो होती हैं, तो इन दोनों के बीच में आपस में प्यार हो जाता है और इनका एक बेटा होता है, एलुकार्ड होता है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, ड्रैकुला एक जो वैम्पायर है, जो लीजा है वो एक सिंपल नॉर्मल एक इंसान है जिसके पास कोई पावर नहीं है, वो पढ़ने में होशियार है, लेकिन इनका जो बेटा है वो भेड़िया कैसे हो गया? ये लॉजिक मुझे कहीं से भी समझ नहीं आया। खैर छोड़ो यार, इस चीज को तुम इग्नोर कर सकते हो। इनकी लाइफ अच्छी चल रही है, मतलब जो लीजा है वो डॉक्टर बन चुकी है, लोगों की हेल्प कर रही है, और इधर लीजा जो है वो ड्रैकुला को इंसान बनने के लिए तो नहीं, इंसानों की तरह बिहेव करने के लिए उनसे मिलने को कहती है, उनकी तरह ट्रैवल करने को कहती है कि जाओ तुम पूरी दुनिया में जाके ट्रैवल करके आओ, लोगों के बारे में सीखो वो कैसे रहते हैं। तो वो इस चीज के लिए इसके ऊपर काम भी करती है और धीरे धीरे चीजें काम भी कर रही होती। अब बट जो ये जो सीरीज है वो बहुत पुराने टाइम की दिखाई गई है, 1475 के टाइम की दिखाई गई। तो वहां पर जो है उस वक्त साइंस को एक तरीके से काला जादू समझा जाता था, और जो भी जो मतलब साइंस के थ्रू कोई भी चीज करते थे तो लोग उसको एक तरीके से बहुत बुरा मानते थे कि भी इसके अंदर कोई काली शक्ति है, ये हमारे विरुद्ध काम कर रहा है। तो लीजा ऐसे गांव में लोगों की हेल्प करती थी, अब जो वो एक डॉक्टर थी, तो मतलब कि कुछ मेडिसिन के थ्रू उनकी हेल्प करती थी, तो लोगों को लगता था कि एक विच है। तो जो वहां के जो चर्च थे, वहां के जो प्रीस्ट थे, उन्होंने आके लीजा को पकड़ के इसको जिंदा जला दिया, और ये जो चीज होती है ड्रैकुला को गुस्सा दिला देता है, और ड्रैकुला इस पूरे इंसानियत को खत्म करने पे उतारू हो जाता है। उनको वो मारना शुरू करता है, और जो मरते हैं लोग उनको उनसे वापस जिंदा करके, उनकी लाश को ले जाकर अपने महल में उनको वापस जिंदा करके राक्षस कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि अपनी एक आर्मी बना सके। ऑब्वियसली इसको रोकने के लिए कुछ लोग आते हैं, इसके विपरीत में तो इसका बेटा एलुकार्ड ही आ जाता है, और इसके साथ एक जादूगर एक लड़की आती है, और उसी के साथ एक मॉन्स्टर जो किलर है शायद बेलमोट वो आता है। ये जो तीन है वो ड्रैकुला को रोकने के लिए आते हैं। केवल ड्रैकुला को रोकने से ही सब चीजें सही नहीं हो जाती हैं, इसके अलावा और भी सारी चीजें हैं कि जिससे और मतलब ये जो सीरीज है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। अगर इस सीरीज की कुछ अच्छी चीजों के बारे में बात करूं तो वो है इसका एनिमेशन, वो बहुत ज्यादा कमाल का है, और ऊपर से इसमें जो कलर इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं वो भी बहुत ज्यादा बेमिसाल है और इतने ज्यादा कमाल के हैं यार, मुझे बार बार जो वो गॉड ऑफ वॉर गेम की याद आ रही थी, क्योंकि उसके जो कलर थे वो इस वैम्पायर एनिमे सीरीज के बिल्कुल सेम टू सेम वही येलो इश इतना ज्यादा, रेड इतना ज्यादा, बहुत कलरफुल एनिमे सीरीज थी जिसको देखकर काफी मजा आ रहा था। और केवल इसके साथ साथ इसमें ये नहीं है कि इसमें एनिमेशन कमाल के, इसमें स्टोरी भी बहुत अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट की गई है। और केवल ये 3 सीजन देखने पर ही ये पूरी सीरीज खत्म नहीं हो जाती है, कुछ और भी चीजें हैं अभी रहती हैं। इसका जो 4th सीजन आएगा शायद ये सीरीज है वो वहां पर खत्म हो जाए। और इसके फाइटिंग सीन भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और अगर बात करूं इसके नेगेटिव बातों की, तो नेगेटिव चीजों में मुझे ये लगा कि ये जो सीरीज है इसके कुछ एक जिसके 3rd सीजन में जाके जो इसमें कुछ एपिसोड जो फालतू के हमें दिखाए गए हैं उसकी कहीं पर भी जरूरत नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल जो मॉन्स्टर हंटर है बेलमोट और जो एक जादूगर लड़की है सिफिया, तो वो एक गांव में जाकर वहां रहना शुरू करते हैं, काफी सारे एपिसोड सिर्फ उसे उनके गांव में दिखा दिए जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये वाली जो चीज है, ये जो स्टोरी के अंदर डाली गई है, वो हमें बोर करने लग जाती है, और शायद इसको हटाकर इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता था। और दूसरी चीज जो मुझे इसमें मिसिंग लगी वो ये थी कि हम इसके जो करेक्टर हैं उससे हम कनेक्ट नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल कि मतलब इन्होंने कुछ भी ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की, मुझे लगता है कि इन्होंने जानबूझकर हमें उनसे कनेक्ट नहीं किया गया, जो बहुत ज्यादा एक डिसअपॉइंटेड चीज है। यार हमें एनिमे, मुझे एनिमे पर्सनली, मुझे एनिमे इसलिए ज्यादातर पसंद आते क्योंकि उनमें जो भी करेक्टर होते हैं हमें उनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे जो एनिमे देखने का जो मजा है वो दोगुना हो जाता है। और ये सीरीज आपको इंग्लिश में डब मिल जाएगी, विद सबटाइटल भी मिल जाएंगे, और इसमें न्यूडिटी जो इसके 3rd सीजन में आके, हाँ 3rd सीजन के कुछ लास्ट एपिसोड में आती है, मतलब है न्यूडिटी है इसके अंदर, और इसके अंदर वॉयलेंस भी बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली वॉयलेंस तो होना ही था क्योंकि यार ये तो एक वैम्पायर सीरीज है, तो इसमें वॉयलेंस नहीं होगा तो और किसमें होगा। मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 7 out of 10। सर अगर किसी ने ये सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो एक काफी अच्छी है वैम्पायर से, अगर आपको पसंद है कि वैम्पायर आपको देखने हैं तो बेशक आप जाके इसको देख सकते हैं, काफी कलरफुल एक एनिमे सीरीज थी। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।